हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने जो आपका पेपर होने वाला है 30 मार्च को मैथ्स का कक्षा 8वीं का बोर्ड एग्जाम का, उसका एकदम रियल पेपर आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। जी बच्चे, डेट टू यही पेपर आने वाला, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले हो इस साल। जो बच्चे को मैथ्स में बहुत हार्ड होता है, लेकिन बट अब हम उनके लिए ले आए मैथ्स का पूरा पेपर। जी बच्चों, पूरा आपका यही पेपर आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा। वीडियो के एंड में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करोगे और आंसर्स की को डाउनलोड करोगे। चलो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। परिमेय संख्याओं का युगतमक तत्समक होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों द, यानी कि 0। निम्न में से कौन सी समीकरण में एक चर है, तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा द। क्या जाएगा बच्चों? द x square प्लस x इक्वल्स टू 3। ठीक है, किसी बहुपुच के बाहु कोणों की मापों का योग युग होता है, तो इसका आंसर अच्छा आपका यहाँ पे आ जाएगा स। क्या आ जाएगा बच्चों? स, यानी कि 360 डिग्री होता है। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो यहाँ पे बच्चों आपका जवाब आ जाएगा द नंबर का। क्या बच्चों? द नंबर का यहाँ पे, यानी कि 10,000। क्या आ जाएगा बच्चों? 10,000। एक सम प्राकृत संख्या का घन होता है, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अ, सम। क्या होता है बच्चों? सम। फिर 1200 का 40% होता है, तो 1200 को 40% हम कैसे निकालेंगे? पहले 1200 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों 1200 लिखेंगे गुणा 40 भाग 100, 0,0 कट, फिर 12 गुणा 40 बचेगा, 12 गुणा 40 जो भी आंसर आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा 480। क्या आ जाएगा बच्चों? 480, यानी कि अ आ जाएगा यहाँ पे। tan xy में से 8xy घटाने पर प्राप्त होगा, tan xy में से घटाने से क्या प्राप्त होता है, तो ब, यानी कि 2xy। क्या बच्चों? 2xy। फिर -1 सम संख्या डैश, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अ, -1। क्या आ जाएगा बच्चों? -1 और 1। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन में अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, तो बच्चों इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाने वाला है, विट अ सेकेंड। ओके, इसका यहाँ पे आ जाने वाला है बच्चों आंसर गुणात्मक उत्समक आ जाएगा यहाँ पे आंसर बच्चों, गुणात्मक उत्समक। ओके, हल कीजिए -2x - 3 = x + y, तो बच्चों यहाँ पे आपको इसे हल करना है, तो आंसर इसका बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे तो जल्दी फटाफट से यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, 2x - 3 = x + 2। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x = x, मेरे साथ लिखते जाइए x + 2 + 3, ऐसा लिखा, या फिर आप वैसे लिख सकते हो 2x = x + 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 2x - x = x + 5, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5। आंसर क्या आ जाएगा? ओनली x 5। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित का अनुपात कीजिए, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, बस इतना ही इसका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे ये सम तो बताया नहीं आपको 11 नंबर का, क्या 253 एक पूर्ण घन है, तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, क्या आ जाएगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम इसका वो निकालेंगे LCM, तो 243 का LCM निकालेंगे, तो इसमें आंसर देखो ऐसा आएगा 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 आएगा, तो ये 3 एक बार बन गया, लेकिन यहाँ पे एक और पैर नहीं बन रहा, इसलिए वो नहीं है। फिर तो यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ा था 12 नंबर का, इसका जवाब दे देती हूँ मैं आपको, एक साइकिल की गति 15 किमी की गति का एक स्कूटर 30 प्रति घंटा से अनुपात
15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 15:30 इक्वल्स टू 15/30, 15 + 30 तो करेंगे तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, तो ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य सत्य बताएं। a0 = 0 असत्य, क्या आ जाएगा इसमें, असत्य। फिर a पावर mn = mn पावर, तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा सत्य, क्या आ जाएगा सत्य। नेक्स्ट 2 - 3 = 1/8, तो इस बच्चों में इसमें क्या आ जाएगा सत्य, क्या आ जाएगा सत्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 - 5 × 2 = 3 का मान 2 8 होगा, तो इसमें बच्चों क्या आ जाएगा सत्य, क्या आ जाएगा बच्चों सत्य। फिर अब यहाँ पे आपको एक वो वर्ग कर दिया है, अब उसे हमें बताना है, ठीक है। तो चलो अब एंगल AOB आपका कौन सा डिग्री होगा, एंगल AOB ये आपका कौन सा एंगल होगा, तो ये आपकी एंगल हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री, कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर AB यहाँ पे दिया है, AB = BC, क्या आ जाएगा बच्चों AB = BC, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा BC, ये रहा आपका आंसर BC। फिर AD और CD हमारा क्या है, लंबतव, क्या है बच्चों लंबतव। एंगल बी तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल D, देखो एंगल B = एंगल D, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर के खंड अ को खंड ब से मिलन कीजिए, ओके। खंड अ को खंड ब से मिलन करना है, तो 3AB × 5B, तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर का 15। पहले इन दोनों को 15 हो जाएगा और AB² इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर 7C × -9D, 7C = -9D, तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 9 = 63 हो जाएगा और CD हो जाएगा, तो इस नंबर का आंसर आ जाएगा D। फिर XX - Y, तो X² - XY यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा, ये वाला बच्चों, ठीक है। 42PQ, तो इसका आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए वाला, ठीक है, 7 × 6 = 42, ठीक है ना। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या क्या है। संख्या 6 प्राप्त करना, ठीक है बच्चों, तो 6 प्राप्त करना, घटने की कुल परिमेय संख्या तो 10 हो जाएगी, 10 संख्या हमने डाली है, 6 प्राप्त होने की एक संभावना है, तो 1/10 यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा। फिर 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो बच्चों यहाँ पे 6 से एक छोटी संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो 6 से छोटी तो कितनी है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब 6 से छोटी है, ठीक है। तो यानी कितनी संख्या है, ये 5 संख्या है, तो 5/10, 5/10 तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो 1/2 यहाँ पे इसका जवाब आएगा। फिर 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 7, 8, 9, 10, यानी 10/10, 4/10, ठीक है। तो 2 × 2 = 2, 4 × 2 = 10, ठीक है, तो 2/5 यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। चलो हम 17 नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक विद्यालय में 2400 एक विद्यार्थी है, PT अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़े रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो चलिए पंक्तियों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है बच्चों। माना कि पंक्तियों की संख्या x है, अंतः स्तंभ की संख्या भी x है, इसलिए विद्यार्थी की संख्या x × x = x² हो जाएगी, ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइएगा। अब हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे,
2401 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको कौन से नंबर से करेंगे, मतलब ऐसे हमें देखना है, तीन 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 नौ होता है, चार 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 एक चार चार पाँच, फाइव फाइव सा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, वो तो 24 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये लेंगे, हमें क्या लेंगे यहाँ पे, चार चार लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, चार एक चार चार दुनिया आठ, चार तरी 12, चार चौक 16, तो 16 हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि वो 24 से छोटा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चार, यहाँ पे ऊपर भी चार आएगा क्योंकि चार चार 16 यहाँ पे हमने लिया, अब 24 में से 16 गया तो 16 बचा, ठीक है, 16 बचा। अब हम ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लेंगे जिससे ये 16 से वो हो जाए विभाजित, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हमें इसके साथ प्लस चार, जो ऊपर संख्या होती है वही चार संख्या नीचे लेनी हुई, तो आठ हमने यहाँ पे ले लिया, तो आठ एक आठ, आठ दूनी 16, और अब ये भी नीचे उतारना है ना, अभी ये भी तो नीचे उतारना है ना बच्चों, यहाँ पे आठ बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आठ बचेगा, अब ये हमने नीचे उतार दिया। अब आठ के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या डालेंगे जिससे 801 पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 89 हम यहाँ पे लेंगे, 89 9 ज़ा यहाँ पे 9 आएगा, ऊपर 49 आ जाएगा, 801 ये हो जाएगा, तो पूरा यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे की क्रिया कर देते फटाफट से, अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 49, यहाँ पे इसकी आंसर हमारा 49 आ जाएगा। फिर किस समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें माप ज्ञात करना है, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोणों में से एक प्रत्येक कोणे की माप है एक्स की जीरो है, क्या है बच्चों, एक्स जीरो, मेरे साथ लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में, एक्स जीरो है। फिर तब एक्स जीरो प्लस एक्स जीरो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। समांतर चतुर्भुज के आसान कोणों का भाग 180 होता है, ठीक है, तो दो एक्स जीरो इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 100 नहीं, वो डिग्री बुलाएंगे हम उसको, ठीक है, 180 डिग्री। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड टू, दो से भाग करेंगे, दो एक दो फिर यहाँ पे दो नौ 18 और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, एक VCR TV में से प्राप्त प्रत्येक का 8,000 रुपये में खरीदा गया, दुकानदार को VCR पर 4% हानि और TV पर 10% लाभ हुआ, इस पूरे लेन देन में लग लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पूरे लेन देन में कितना लाभ और कितना हानि हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। युक्त आप मेरे साथ देखते जाइए, संयुक्त क्रय मूल 8,000 रुपये प्लस 8,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है, 16,000 VCR पर 4% हानि इक्वल्स टू 8,000 रुपये का 4%, तो 4/100 गुणा 8,000, ठीक है बच्चों। तो इस पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 320 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। और VCR का विक्रय मूल माइनस हानि, जो भी VCR का विक्रय मूल है उससे जो हानि हुई है वो, तो 8,000 में से हमारी कितना माइनस करेंगे, 320 हम माइनस कर देंगे, 320 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7,680 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे TV पर 8% का लाभ इक्वल्स टू 8 रुपये का 8%, तो हम फिर से वही करेंगे, 8/100 गुणा 8,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 640, क्या आ जाएगा बच्चों, 640 रुपये हमें यहाँ पे मिले। अब VCR का 640 हमें मिले, अब हमें क्या करना है, TV का विक्रय मूल इक्वल्स टू TV का क्रय मूल प्लस लाभ, जो हमें लाभ हुआ है वो, तो 8,000 रुपये प्लस 640 रुपये, तो कितना हो जाएगा 8,640 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करना है, संयुक्त विक्रय मूल इक्वल्स टू VCR का विक्रय मूल प्लस TV का विक्रय मूल, तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें 7,000 आपने लिखा हुआ, 7,680 मिले थे हमें, कहाँ से मिले थे हमने, 8,000 में से 320 माइनस किए थे, तो हमें 7,680 मिले थे, प्लस अब हम करेंगे 8,640
वो हमें कैसे मिले, वो हमने लाभ निकाला तो हमने 8,000 में से हमें 640 मिले तो उनको हमने प्लस किया तो 8,640 हो गए। अब टोटल हम इसको करेंगे तो 16,320 हमारा इसका जवाब आ जाएगा। क्या क्या बच्चों, 16,320 आया हमारा। फिर आगे क्या करना है, आगे हमें करना है संयुक्त विक्रय मूल्य इक्वल्स टू संयुक्त कर्ज मूल्य। इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ है, लाभ इक्वल्स टू संयुक्त विक्रय मूल्य इक्वल्स टू संयुक्त कर्ज मूल्य। तो 16,320 माइनस 16,000 तो टोटल मिला के हमारा क्या लाभ हुआ है, तो 320 रुपये का हमें यहाँ पे लाभ हुआ। और कितना प्रतिशत हुआ वो हमें निकालना हो तो 320 गुणा 100 भाजक 16,000 ये हमने यहाँ पे इससे कट कर दिया। अब 16 का 16, 16 2 32 तो यहाँ पे आ जाएगा 2% का हमें यहाँ पे लाभ हुआ है। तो आंसर रुपये में 320 आएगा और प्रतिशत में 2%। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, यदि मोटे कागज की 12 शीटों को का भार 400 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार किलोग्राम होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसका बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। इसका जवाब यहाँ पे आपका जाएगा 750। कितना आ जाएगा, 750 का जवाब है। हल कीजिए, अब इसको हल करना है तो चलिए हल करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 एक सेकेंड, ओके 2 6x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये जो इसमें 6 दिया गया है वो ऊपर हमें गुणा में ले लेना है। ओके, फिर अब एक सेकेंड वेट करिए। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम जी। बच्चों देखिए, ओ गॉड, सॉरी फिर से लिख देती हूँ, मेरे साथ आप लिखिए 2x 6x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 3। ये हमने लिख दिया। अब 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये 1 और ये 2 और ये 1, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 6 का 6। ठीक है, इक्वल्स टू 3x माइनस 3 यहाँ पे हमारा था वो हमने लिख दिया। फिर आगे क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देना है हमें। ओके, तो 12x हमने लिख दिया, 12x का 12x इन दोनों को प्लस करना है 6 और 2 को, तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस 3 हमें यहाँ पे लिख देना है। इतना लिख दिया, चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर हम ज़्यादा नहीं कर सकते। चलो अब 12 माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस x प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। इस प्रकार से हमने पूरा इक्वेशन बना लिया। अब 12 में से x गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 12x माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, ये हुआ। अब आगे करते हैं, 11x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 8, यहाँ तक लिख लिया आपने। चलो आगे करते हैं, 11x इक्वल्स टू माइनस 11, क्योंकि हमने 8 माइनस वहाँ पे माइनस 3 और माइनस 8 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 हो गया। तो 8 के आगे बड़ी संख्या थी माइनस की तो हमने वो संख्या यहाँ पे लगा दी तो माइनस 11 हो गया। अब x इक्वल्स टू 11 माइनस 11, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 11 डिवाइड 11, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। चलो बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। किधर गया आपका प्रश्न, मैंने पूरा प्रश्न आपको सॉल्व करके बता दिया। चलो अब 22 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा की विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने की समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, न्यूनतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, 4 घंटे में कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। ठीक है, वो सब हमें यहाँ पे बताना है। चलो फटाफट से बता देते हैं। ओके, तो ओके
अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा, वो यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले में ये था, फिर दूसरे में न्यूनतम विद्यार्थियों ने 1 से 2 घंटे तक टीवी देखा। 1 से 2 घंटे जो नियमित बच्चे थे उन्होंने 1 से 2 घंटे टीवी देखा। ओके, फिर क्या बच्चों, फिर तीसरे नंबर का 4 + 8 + 22 + 4 + 8 + 22 + 32 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा। इन बच्चों ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा। ठीक है, फिर 8 + 6 = 14 कितना हो गया, 14। 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया, इन लोगों ने अधिक समय लिया। ठीक है बच्चों, तो पूरा बता दिया मैंने, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ चलिए, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड करने हैं, तो चलिए फटाफट से कर देते हैं। सबसे पहले 5x² y = -5xy², चलो कर देते हैं इसका आंसर फटाफट से सॉल्व। चलिए इसका मैं थोड़ा सा ये जो लिखने का है वो उसको छोटा कर देती हूँ, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। ओके, हो गया छोटा। ठीक है चलो फटाफट से भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, 5x² यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, वहाँ पे लिखती हूँ। 5x² -15xy² ये हमारा क्वेश्चन है। ओके डन, समझ में आया, इतना ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम यहाँ लिख देते हैं 5x² y -15x² y। अब इनको हमें कितनी कितनी बार x है कितनी बार y है वो हमें यहाँ लिखना है। तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब दो बार x है और एक बार y है। तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू इंटू वाई, ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमें 15x वाला लिखना है यहाँ पे। तो 15 यहाँ लिख देती हूँ, शायद आप उसको साथ में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, माइनस 15, 5 × 3 = 15, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 5। ठीक है, 5 × 3 = 15 हो गया। 3 × x × x × x × y × y। ओके, तो यहाँ पे ये दिया गया है। चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। चलिए पूरा ये लिख लिया आपने, अब लिख लेते हैं आगे का। 5 × x × y × x − 3 × y, ये हमने लिख दिया। चलो अब आगे लिख लेते हैं फटाफट से। 5xy फिर x − 3 3y, ये हमने लिख दिया। अब ये हमारा जो आया यहाँ पे वो अपना आंसर है, यही हमारा आंसर है पूरा। ठीक है, इसी तो प्रकार से आपको नीचे वाले भी करने हैं। ओके, तो सारे फटाफट से कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। इसका सेकेंड वाले का बहुत छोटा है, तो चलो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले 7 लेना है, p² यहाँ पे दिया है p², फिर p² के बाद प्लस 3q² q² देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे अब 21 है, तो 7 × 3 कितना होता है, 7 × 7 = 14 × 7 = 21, तो 21 आ गया ना, तो ये अपना पूरा जवाब है। इसी प्रकार से ये सारे सम करने, नीचे वाले भी इसी प्रकार से आपको करने, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलो फटाफट से 25 नंबर का प्रश्न कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब हमारे पास। 25 नंबर के प्रश्न में बस आपको पूरा वो बनाना है, क्या बोलते हैं ये, चाहे पाई चार्ट बनाना है, फिर उसमें आपको लिखना है। तो बच्चों पूरा यही पेपर था हमारा, संपूर्ण यही पेपर आना है। अब आपको आंसर्स की भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मैं आपके लिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप पेपर का PDF डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, वहाँ सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज, सर्च करें, संपूर्ण पेपर की PDF डाउनलोड करनी है, और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप अगर आपने PDF डाउनलोड कर दिए तो वहाँ पे लिख दीजिएगा यस। मेरे से बहुत सारी मिस्टेक हुई होगी इस पेपर में बनाने, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, बट
मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हर पीपल अच्छे से समझाने की। अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।